नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार न्यूज चैनल। आइए दिखाते हैं इस वक्त ताजा खबर। मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्रेस के भाइयों, मैं HS चड्डा सीनियर मीत प्रधान श्री गुरु सिंह सभा। आज हम यहां पर जो इलेक्शन के अंदर जो कमियां रखी गई हैं और जो हमारे तहसीलदार महोदय ने जिस तरीके से एक पक्ष को फायदा उठाने के लिए ऐसा कार्य किया, उसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। लगभग हमारे पास यहाँ 60-70 लोग पहुँचे हैं और गुरुद्वारे में भी 200 लोग इकट्ठे हुए हुए हैं। हम जो है आज मैडम जो है SDM मैडम से मिले हैं और हमने उनको आपत्तियाँ अपनी दर्ज कराई हैं। खुला बाई लॉज का हमारे उल्लंघन हुआ है, इसलिए हम इसके खिलाफ जो है चाहे जिलाधिकारी महोदय तक, कमिश्नर महोदय तक भी जाएंगे और नहीं न्याय मिला तो हम इसमें कोर्ट में भी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा वो भी करेंगे और इस तहसीलदार महोदय से ये जो है इलेक्शन हम इनके थ्रू नहीं कराएंगे। हमारा ये एक मत से फैसला है कि हम इस तहसीलदार महोदय से इलेक्शन नहीं कराना चाहते। इनने सारी खामियां छोड़ी हुई है, हमने लिख के दे दिया बहुत सारे पॉइंट। मेन पॉइंट ये है कि 20 मेंबरों को इसमें से वंचित रखा गया है, जिनको डिप्टी स्टार महोदय ने अनुमति दे दी थी। तहसीलदार महोदय ने पता नहीं किस उसमें लालचवश उनके 20 मेंबरों का ना उनका इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार छीन लिया गया और उन्हें पार्टिसिपेट करने का भी अधिकार छीन लिया गया। और फॉर्म जो है, जो इलेक्शन का फॉर्म है, वो भी गलत छापा गया है, जिससे लगभग 60-70 लोग शहर के रह गए हैं इलेक्शन लड़ने से। इसलिए हमारी इसमें सभी अधिकारियों से निवेदन है कि हमारी बात को जो है देखते हुए इस इलेक्शन को दोबारा कराया जाए और नए सिरे से इसकी विज्ञप्ति जारी की जाए, प्रोसेस दोबारा शुरू किया जाए, ये प्रोसेस दोबारा शुरू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रांतीय महामंत्री जसवंत सिंह बथरा, आज सहारनपुर के महानगर की उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की सहारनपुर इकाई महानगर सहारनपुर के लिए मनोज प्रजापति को अध्यक्ष मनोनयन किया है। इसके साथ साथ महामंत्री आशुतोष बत्रा जी को मनोनयन किया है और हम आशा करते हैं मनोज प्रजापति से कि अपने सहारनपुर के सेक्टर वाइज प्रत्येक इलाके के व्यापारियों को संगठन से जोड़ते हुए सहारनपुर की हर समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और हम आशा भी करते हैं उनसे कि वो इसी तरह कार्य करते हुए सहारनपुर की समस्या का समाधान करते रहेंगे। जी सर, जो कल एक व्यापारी एक्सपायर हुआ, कोरोना काल में जो हमारे व्यापारी साथी की अचानक मृत्यु हो गई कोरोना की वजह से, उनके लिए हमने प्रदेश स्तर पर अपने प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंचल जी से उन व्यापारियों के परिवारों को मुआवजा दिलवाने की बात की। हमारा पूरा प्रयास रहा कि प्रत्येक व्यापारी के परिवार को कम से कम 5 लाख रुपया इन्हें मिले और इसके साथ साथ सभी व्यापारियों का स्वास्थ्य बीमा भी करवाया जाए। जैसे पेंशन व्यापारियों की हमारी समस्या जो हमने रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, उन्होंने मान ली है। जो हमें कभी सपना था कि व्यापारी को पेंशन मिलेगी, वो हमें मिलने का उन्होंने आश्वासन दिया और कानून बन गया है। इसी तरह अभी जो अमाउंट है कोरोना काल की, वो अभी प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से तय होनी है, क्योंकि उन्होंने कुछ राशि कम रखी है। हमारी डिमांड ज़्यादा है, बहुत जल्दी सभी परिवारों को जो हमारी डिमांड है 5-5 लाख रुपया मिलने की हमें पूरी आशा है। हो गया स्टार्ट जी, क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष उपाध्याय है और ये उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ का जो मंडल स्तरीय धरना आज चल रहा है, इसका प्रभारी लखनऊ की तरफ से मुझे बनाया गया है। हमारा जो धरना है, ये हमारा जो धरना है, या ये कहिए कि सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए ये कार्यक्रम है, सरकार को ये अवगत कराने के लिए कि हमारी कुछ मांगे लंबित हैं। मुख्य मांग जिनमें से जूनियर इंजीनियर्स को 4800 रुपये का ग्रेड वेतन प्रदान किया जाना, पुरानी पेंशन की बहाली, इसके अतिरिक्त 30 लीटर पेट्रोल के मूल्य के बराबर भत्ता प्रदान किया जाना,
और चौथी मांग है हमारी, मुख्य मांग जो है वो है कि कर्मचारियों को 7, 14 और 20 वर्ष की सेवा अवधि पर ACP प्रदान किया जाना। इसके अलावा अन्य कई मांगे हैं, तो मुख्य मांगे ये हैं। और अगर सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं देती, इस कार्यक्रम के बाद हमारा कमिश्नर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ज्ञापन प्रेषण का कार्यक्रम है। अगर तब तक सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही तो 8 दिसंबर को हमारा लखनऊ के अंदर बहुत विशाल कार्यक्रम होगा और हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के उपरांत जो भी कार्यक्रम संघर्ष कार्यक्रम घोषित होगा वो कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर क्षेत्र में संचालित करेंगे, लेकिन हम अपनी मांगों को पूरी करा करके ही मानेंगे। हम किसी पत्र में हमारे आज यहाँ सहारनपुर के लोग हैं और सहारनपुर मंडल के अंदर जो हमारे शामली मुजफ्फरनगर जनपद के साथी लोग हैं, और इसके अतिरिक्त जो हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हरिद्वार जनपद के अंदर पदस्थापित है वो भी यहाँ पर सम्मिलित हैं। तो आज ही धरना आज ही स्थगित हो जाएगा? आज 3 बजे तक का है और उसके बाद ज्ञापन प्रेषित करेंगे हम लोग मंडलायुक्त। कोशिश है कि सहारनपुर के अंदर एक अच्छा और सस्ता इलाज हो जी। अपना परिचय दें। नमस्कार आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं कर्नल अदनान मसूद हूँ और MD मेडिसिन आर्मी के अंदर मैं 22 साल तक सर्व किया मैंने, और लास्ट पोस्टिंग मेरी मिलिट्री हॉस्पिटल रोटी में थी, वहाँ पर मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट का हेड था। रिटायरमेंट लेने के बाद अभी मैं सहारनपुर में ये जो क्वालिफाई है कोशिश की है फेमस केयर मेडिकल स्पेशलिटी, मैं यहाँ पर मेडिसिन डिपार्टमेंट का हेड से ज्वाइन कर रहा हूँ। तो सर आर्मी में कौन सी बटालियन से थे आप? AMC आर्मी मेडिकल। आर्मी मेडिकल तो अब हॉस्पिटल लॉन्च हुआ है, तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी है? यहाँ पर क्रिटिकल केयर है, सर्जिकल सभी सब तरह की सर्जरी जहाँ पर हो सकती है, यूरोलॉजी है, गायनोकोलॉजी सारी है, पीडियाट्रिक्स है, मेडिसिन है। जल्दी ही हम लोग कैथ लैब का प्लान कर रहे हैं और डायलिसिस का प्लान कर रहे हैं। कहने का मतलब जैसे कार्डियोलॉजी है यहाँ पर सब, कहने का मतलब यह है कि अब मरीजों को देहरादून और उत्तराखंड देहरादून हरियाणा की तरफ पलायन नहीं करना पड़ेगा, उनको सारी सुविधाएं यहीं मिल जाएगी। हर एक सुविधा 24 घंटे और बहुत अच्छी बात है कि आरिफ भाई ने भी यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ रखा है, जो काफ़ी स्टाफ रखे हैं, बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, और हमारे पास जितनी मशीन्स मैंने यहाँ पर देखी हैं कि जितनी भी दुनिया के किसी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो यहाँ पर डॉक्टर उन्होंने इसको कोशिश की है, और अब हम सब डॉक्टर्स की कोशिश ये रहेगी कि सहारनपुर के लोगों को हर वो सुविधा हम लोग दे सकें जिसके लिए उनको दूर भाग के जाना पड़े। तो यहाँ डॉक्टर्स कहाँ से हैं? ये बाहर से हैं? मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको दिया है जी, आर्मी से रिटायर्ड हूँ जैसे सहारनपुर से। जी जी, तो ये मेरा घर है, इसलिए 22 साल देश को सर्व करने के बाद अब अपने लोगों के लिए कुछ करने का अल्लाह ने मौका दिया है, तो उसके लिए यहाँ पर खिदमत के लिए। हॉस्पिटल के लिए गरीबों के लिए क्या योजना है? गरीबों के लिए एक तो जितनी भी यहाँ पे सुविधाएं हैं उनके रेट्स बहुत रीजनेबल हैं, जो मैं अभी इन लोगों की लिस्ट हम लोग चेक कर रहे हैं, ICU के लिए या क्रिटिकल केयर के लिए जो भी इस तरह की इस लेवल की केयर होती है उसमें जो प्राइसिंग है वो बाकी सब कंपेरेबल हॉस्पिटल्स के मुकाबले में काफ़ी इन्होंने रीजनेबल रखा हुआ है। और हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि गरीब लोगों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद अफोर्डेबल प्राइस में करा सकें करेंगे, बाकी इसके लिए आगे पेशेंट वेलफेयर फंड होगा, ये सब जनरेट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि चैरिटी के लिए और भी काम होगा। और ठीक, अपना परिचय दें, अपना नाम बताएं। जी आज यहाँ हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, उस बारे में थोड़ा बताइए। इनॉग्रेशन सभी हॉस्पिटल्स का या किसी भी संस्था का करा जाता है किसी मिनिस्टर से या किसी और अधिकारी से, हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है इसके अंदर। एक ही जो पेशेंट है, जो पहली पेशेंट जिस हॉस्पिटल की आई वो बच्ची है 12 साल की, शीबा नाम की, उससे इनॉग्रेट कराया हमने, उसी ने रिबन सेरेमनी करी है और उसी ने केक कटिंग सेरेमनी करी है। और एक और चीज़ हमने इसके साथ करी है, इस बच्ची को
जो है लाइफ टाइम के लिए मेडिकल फैसिलिटी इस हॉस्पिटल द्वारा जो है वो उसको दी जाएगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी उसको मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। उसका वैसे तो मैं चाहूँगा कि वो कभी बीमार ना पड़े, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है उसको वो हमेशा हॉस्पिटल में फ्री रहेगी। कोई भी ऑपरेशन होंगे और कोई भी ओपीडी होगी, आईपीडी होगी, मेडिसिन होंगे, सब उसको लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगी। तो ये शिवा को प्रॉब्लम क्या है थोड़ा बताएं। मल्टीपल प्रॉब्लम है, वो मेरा ठीक नहीं रहेगा यहाँ डिस्कस करना बच्चे, और वो पहली पेशेंट बनी और हमारे मायत में मेरे माइंड में सबसे पहले यही आया कि उससे अच्छा चीफ गेस्ट हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। ठीक है सर।